स्वागत है आप सभी का मेरी आज के इस नई वीडियो में। और आज मैं आपको बता दूं क्या हुआ कि आज यहाँ मेरे यहाँ सारी सब्जी खत्म हो चुकी थी, तो मैंने मिष्टी के पापा को कहा कि चलो मार्केट चलते हैं, मंडी वहाँ से सब्जी वगैरह लेके आते हैं और घूम भी लेंगे। तो घूमना तो हुआ ही नहीं, बस चीज़ें मोल भाव करने में ही लग गया सारा टाइम। और हम स्कूटी लेके गए थे तो काफ़ी सामान आ गया था फिर भी हमारी स्कूटी में। और मैं सोच रही थी कि सब्जी वगैरह लेके आ गई हूँ तो मैं इस पर एक वीडियो बनाती हूँ, इनको धोने और संभालने से पहले मैं इसका वीडियो शूट कर लेती हूँ और आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि मेरे शहर जहाँ मैं रह रही हूँ देहरादून में जो चीज़ें मैंने खरीद रखी हैं सब्जियों का रेट क्या है। तो अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप किसी और शहर से हैं, तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा आपके यहाँ सब्जियों का रेट क्या चल रहा है। तो हम जितनी भी हाउसवाइफ होती हैं सबको मोल भाव करने की आदत होती है और कुछ भी होता है तो पूछते हैं क्या आपको क्या रेट मिला, मुझे इतना महंगा मिला, तुझे सस्ता कैसे मिला। तो हर जगह का रेट अलग अलग रहता है, हर मंडी का रेट अलग रहता है, कोई सस्ता देता है तो कोई महंगा देता है, और दुकानों में जाओ तो और महंगा रहता है और मॉल में जाओ तो वहाँ तो और भी महंगा मिलता है। तो मैं बता दूँ मेरी सारी सब्जी आई है 500 रुपये की। तो 500 रुपये में मैंने कितनी सारी सब्जियाँ खरीद ली हैं वो आपको बताती हूँ, और वीडियो को पूरा देखें और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो ये लिया है मैंने आधा किलो कटहल, तो ये मुझे पड़ा है 25, यानी ये 50 रुपये किलो का है और पड़े पड़े काफ़ी ख़राब हो चुका है। ख़राब नहीं, इसके बाद मैं इसे फ्रिज में रखूँगी, कल ही बना दूँगी, अभी तो एक दो दिन ये रह सकता है। इसके बाद मैंने लिया है करेला, ये 40 रुपये किलो है और हम खाने वाले दो ही हैं तो 250 ग्राम भी बहुत होते हैं। नींबू मेरे यहाँ पर मैंने 20 रुपये पाव खरीदा है, तो समझो कि 80 रुपये किलो है, तो अगर आप 1 kg लेंगे तो वो 60 या 70 का भी लगा लेते हैं। जो ये खीरा मुझे पड़ा है 30 रुपये किलो, तो हमारे यहाँ तो कहीं 30 रुपये कहीं 40 रुपये भी था, लेकिन मुझे जहाँ से मैंने लिया मुझे 30 रुपये किलो पड़ा। और आजकल बनाना के रेट तो काफ़ी हाई फाई हो रखे हैं, थोड़ा छोटा बनाना है, लेकिन जहाँ भी मैंने पूछा एक जगह 60 रुपये दर्जन था और लास्ट में भी पूछा था मैंने वहाँ पे 80 रुपये दर्जन, तो कह रहे थे आजकल बहुत महंगा हो चुका है। ये लिया मैंने एक पत्ता गोभी कैबेज, तो ये पड़ा है मुझे 1 kg से भी ज़्यादा का है, लेकिन ये मैंने 10 रुपये का ख़रीदा है और 80 रुपये किलो है, तो ये ज़्यादा है तो उन्होंने मुझे इतने का ही दे दिया। मंडी में जाके यही फ़ायदा होता है, दुकान में लेती तो वो बढ़ा के देता बिल्कुल। और ये हैं लेडी फिंगर भिंडी, तो मुझे तो पसंद नहीं है लेकिन मिष्टी के पापा को काफ़ी पसंद है। ये मैंने ख़रीदी है, हमारे यहाँ इसका रेट चल रहा है 40 रुपये किलो, अभी 40 ही होगा, हो सकता है कहीं सस्ता होगा कहीं महंगा होगा। और एक ये लिया है घिया लौकी, तो ये भी मैंने 10 रुपये की ख़रीदी है मंडी में और इसका वज़न भी 1 kg से ज़्यादा है। साथ में ये मैं एप्पल ख़रीदे हैं, ये 100 के 1 kg हैं और ये 50 के 1 kg है, तो दोनों में कुछ खास नहीं है, इसमें थोड़ा सा दाग वगैरह होंगे लेकिन ये इसमें भी हैं लेकिन उतने नहीं हैं। तो पहले मैंने ये ख़रीद लिए थे, बाद में ये भी दिखे तो चलो हमने कहा इनको भी ख़रीद लेते हैं, सस्ता मिल रहा है, मंडी में आ रखे हैं तो ले लेते हैं। और इसके बाद आती है टमाटरों की बारी, तो टमाटो पड़े हैं हमको 15 रुपये किलो, तो मैंने 30 के 2 kg ख़रीद लिए थे। और अब पड़ी आजकल मैंगो का सीज़न है तो मैंगो तो लेना बनता है, और ये हैं 60 रुपये किलो, तो 100 के 150 भी कह रहा था लेकिन मुझे उन्होंने बाद में कहा कि 60 के 1 kg ले लो आप, तो मैंने 1 kg ले लिए 60 रुपीज़ के। और मेरी फेवरेट है बीन्स, और ये काफ़ी महंगी है, ये मुझे पड़ी है 20 रुपये पाव, यानी 20 रुपये पाव 40 का 80 रुपये किलो है ये भी। और ये सारी सब्जी मैंने ख़रीद ली है, और इसके अलावा मैंने ख़रीदा है 250 ग्राम पनीर, और उसको जोड़ के ये सब सारी सब्जी और फ्रूट्स 500 रुपीज़ के हैं। और साथ में ये लिया है मैंने एक आशीर्वाद का आटा, तो ये पड़ा है मुझे 400 रुपये का 10 किलो का, तो यानी 40 रुपये किलो है। और ये चावल है 500 के, तो ये 50 रुपीज़ के जी थे, तो ये दिख नहीं रहे होंगे आपको। ये है मेरी सारी सब्जी, जो
अंगूर है आजकल ग्रेप्स, तो वो चले गए हैं 200 रुपये के जी लंबे वाले, और जो गोल वाले होते हैं थोड़ा खट्टे होते हैं वो 120 रुपीज़ के जी बता रहा था। और इसके बाद वाटरमेलन था वो भी 20 रुपीज़ 20 रुपये किलो। तो हमारे पास जगह नहीं थी क्योंकि बीच में दो बच्चे थे, तो मैं इतना ही लेके आ पाई, क्योंकि और साथ में आटा चावल भी लिया है, तो स्कूटी में इतना लाना बहुत बड़ी बात है। इसके पापा लेके आ गए, मेरे बस का तो नहीं था। मुझे बताइए आप कौन से शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपके शहर में जो जो सब्ज़ियाँ मैंने खरीदी हैं उनका रेट क्या चल रहा है, इससे मुझे पता चलेगा मैंने सस्ती खरीदी है या महंगी खरीदी है। और बस इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं फिर एक और नई ब्लॉग में।